तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में वीडियो लेकर गया हूँ ये हमारा मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर। जैसा कि दोस्तों ये वीडियो को सीरीज में लेकर गया हूँ ताकि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग को करना सीख सकें। मोबाइल रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए हम लोग चेकिंग कैसे करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जितने भी वीडियो में लेकर गया हूँ ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग चेकिंग के टॉपिक ऊपर वीडियो लेकर गया हूँ कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता तो आप उस मोबाइल फोन को रिपेयर कैसे करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन को हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आईसी लेवल है, एमएमसी प्रोग्रामिंग है, इस तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के सभी मोबाइल फोन के बारे में आपको रिपेयर करना आपको सिखाया जाता है। दोस्तों ये जितनी भी सारी वीडियो है ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, काफी साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन मोबाइल फोन रिपेयरिंग के नाम पर सिर्फ वो कॉम्बो चेंज कर लेते हैं, बैटरी चेंज कर लेते हैं, या मोबाइल फोन के अंदर यूआई चेंज कर लेते हैं, या मदरबोर्ड के नाम पर सिर्फ मदरबोर्ड चेंज करते हैं लेकिन मदरबोर्ड को चेक करना नहीं जानते हैं। तो ये दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है और वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हमारे पास यदि कोई भी मोबाइल फोन आता है तो हम लोग दोस्त मोबाइल फोन में से मदरबोर्ड को कैसे चेक करेंगे, मदरबोर्ड को चेक करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात, जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने के लिए, मोबाइल फोन को टेस्टिंग करने के लिए, मदरबोर्ड को चेक करने के लिए, मदरबोर्ड को चेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मदरबोर्ड को चेक कैसे किया जाता है, मदरबोर्ड को चेक करने के क्या लॉजिक होते हैं, इन सब चीजों के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारी वीडियो ट्रेनिंग के पर्पज से है। अगर वीडियो में आपको एक बार नहीं समझ में आता तो एक बार दो बार वीडियो को अच्छे से देखें ताकि अच्छी तरीके से इन सब चीजों के बारे में समझ सकें और जो मैं आपको बताता हूँ उसको कॉपी में अच्छे से नोट भी करें। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर मेन चीज जो होती है वो अंदर का मदरबोर्ड होता है और ये मदरबोर्ड कैसे काम करता है, मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। फिर मैंने आपको अगले पार्ट थ्री में आपको बताया था कि मोबाइल फोन आपके पास रिपेयर करने के लिए आता है जितने नए पर्सन होते हैं तो वो लोग मोबाइल फोन को पहचानेंगे कैसे, उनके पास ये ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, इन्फिनिक्स बहुत सारे फोन बनने के लिए आ जाते हैं, वो ये नहीं जान पाते कि ये मोबाइल फोन तो बनने आ गया है लेकिन इसके अंदर ये मॉडल कौन सा है, ये रियलमी का मॉडल है तो रियलमी का कौन सा मोबाइल फोन है, तो ये मॉडल उनको पता होना चाहिए ताकि उनको काम करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए और अच्छी तरीके से मोबाइल फोन को ठीक करवाए। अब लोग दोस्तों मैं आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मोबाइल फोन में से मैं आपको मल्टीमीटर का यूज करने का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। आज के टॉपिक में जो हमारा होने वाला है मल्टीमीटर के बारे में, मल्टीमीटर का यूज करने का तरीका मल्टीमीटर को यूज करने का तरीका क्या होता है, मल्टीमीटर को आप कैसे यूज करेंगे और मल्टीमीटर के माध्यम से आप मोबाइल फोन की टेस्टिंग कैसे करेंगे। दूसरी बात क्या है, मल्टीमीटर के साथ साथ मैं आपको डीएसओ को चेक करने का भी तरीका आपको समझाता हूँ कि डीएसओ को कैसे यूज करेंगे। डीएसओ भी एक मल्टीमीटर ही है जो हमारे पल्सेस हैं, वोल्टेज हैं, सिग्नल हैं, इन सब चीजों के बारे में बताता है। तो मैं आपको इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसको हम लोग कैसे चलाएंगे, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास कितने तरीके के मल्टीमीटर आते हैं आज हम उस टॉपिक पर भी बात करेंगे, कौन कौन से मल्टीमीटर हमारे काम करने के लिए बेहतर रहता है, और आप लोग दोस्तों जितने भी काम करने वाले हैं तो आप लोग बेसिक रिपेयरिंग करने के लिए तो कोई भी छोटा मोटा मल्टीमीटर खरीद सकते हैं लेकिन काम करने के लिए अगर आप मोबाइल फोन में एक्चुअली में ठीक करना चाहते हैं तो आप कौन सा मल्टीमीटर लेंगे आज मैं आपको वो भी बताऊंगा ताकि आप बेस्ट तरीके से अच्छी तरीके से काम कर सकें। और मैं कौन सा मल्टीमीटर यूज करता हूं मैं भी आपको समझाता हूं ताकि आप इन सब चीजों के माध्यम से आपको बहुत अच्छा एक जानकारी मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जो लोगों के बारे में नॉलेज है, ट्रेनिंग है, जानकारी है, उनको भी बहुत ऐसी चीज है जो आज इस वीडियो में उनको सीखने वाले हैं और वीडियो के माध्यम से उनको बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, वीडियो के ऊपर। सबसे पहली बात मैं आपको मल्टीमीटर को यूज करने का तरीका सिखाता हूँ, मल्टीमीटर का यूज कैसे करेंगे, मल्टीमीटर कितने प्रकार के आते हैं। मल्टीमीटर किसी भी प्रकार का कहे ना है लेकिन दोस्त उसके अंदर कुछ कॉमन सिंबल होते हैं वो सभी मल्टीमीटर में पाए जाते हैं। चाहे मल्टीमीटर हमारा 150 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 150 रुपए से लेकर के 2000, 4000 तक के मल्टीमीटर आते हैं, इससे भी महंगे महंगे मल्टीमीटर आते हैं लेकिन जनरली जो मार्केट में सेल होने के तौर पर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो मल्टीमीटर अगर देखा जाता है फ्लूक का मल्टीमीटर आता है, मैकेनिक के भी आते हैं, सनशाइन के भी आते हैं, यूनिटी के भी आते हैं। यूनिटी जो होते हैं मल्टीमीटर के रेंज में बहुत अच्छे सारे पार्ट्स निकालती है और मैं ज्यादातर प्रोडक्ट जो यूज करता हूँ मल्टीमीटर और टेस्टिंग के पार्ट पर अगर देखा जाए तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूनिटी का यूज करता हूँ। यूनिटी काफी टाइम से पहले से आ रहा है और काफी समय से आज भी आ रहा है। हमारे पास यूनिटी का ही मल्टीमीटर है, मेरे पास यूनिटी का ही डीएसओ मशीन है, उसके माध्यम से हम मोबाइल फोन को सारे मोबाइल फोन को ठीक करते हैं। और आज के तौर पर देखा जाए तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है,
मैकेनिक के हैं, सनशाइन के हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मल्टीमीटर है, फ्लूक के हैं, बहुत अच्छे अच्छे मल्टीमीटर ला रखे हैं। लेकिन पहले जैसा आता था, पहले के टाइम की तो बात ही अलग है। हम इस लाइन में इतने साल से काम कर रहे हैं, तो जो हम चीजों को यूज कर रहे हैं तो कम से कम पहले से आ रही है, तो आज उनको फेंका थोड़ी दिया जाएगा। काम करेंगे जो पहले की टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात आज से अगर लेटेस्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन बेहतर तो है, क्योंकि बेहतर इसलिए क्योंकि पहले से है और आज तक वो काम कर रही है, क्योंकि जितनी सारी चीजें बना रही है सब उसी से देख करके ही लोग बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि मल्टीमीटर को यूज करने का तरीका क्या होता है, और डीएसओ के बारे में समझेंगे कि डीएसओ को कैसे यूज किया जाता है, और डीएसओ के माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन को चेक कैसे करेंगे, डीएसओ के माध्यम से बैटरी को कैसे करेंगे, डीएसओ के माध्यम से सप्लाई कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और डीएसओ को टॉपिक के ऊपर मैंने पूरा एडवांस वीडियो मैंने पहले दिया हुआ है, आप चाहें तो हमारे पीछे जाकर वीडियो कर सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं मल्टीमीटर को यूज कैसे करेंगे, मल्टीमीटर को यूज करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात, मल्टीमीटर यूज करने के लिए मल्टीमीटर के अंदर सिंबल दिए होते हैं। जितने भी मोबाइल फोन के अंदर मल्टीमीटर पाए जाते हैं, ये मल्टीमीटर के अंदर जो रेड पिन होता है ये हमेशा प्लस होता है, जो ब्लैक वाला वायर होता है ये माइनस होता है। जितने भी मल्टीमीटर होते हैं सभी मल्टीमीटर पर मोस्टली ऐसा ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर में अगर आप देखेंगे तो हमारा रेड वाला जो प्रोब है ये हमारा प्लस है, अब ब्लैक वाला प्रोब जो है ये हमारा माइनस है। तो रेड प्लस है, ब्लैक हमारा माइनस है। तो सारे मोबाइल फोन को चेक करने के लिए रेड प्लस होता है, ब्लैक हमारा क्या होता है माइनस होता है, कॉमन सी बात आती है। अब मल्टीमीटर को यूज किया, यूज करने के बाद इसको बंद कर देना है। नहीं बंद करेंगे तो इसके पीछे सर एक सेल पड़ा होता है, जो सेल बैटरी डाउन हो जाएगी फिर हमारा मल्टीमीटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, तो आपको मल्टीमीटर चेंज करना पड़ेगा, सेल चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीमीटर में रेड प्लस होता है, ब्लैक हमारा क्या होता है माइनस होता है। मल्टीमीटर को काम करने के लिए जनरली 9 वोल्ट की बैटरी की जरूरत पड़ती है, या तो फिर उसमें से सेल यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? सेल यूज होते हैं। अब मल्टीमीटर के मैं आपको बताता हूं, मल्टीमीटर के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, मल्टीमीटर के ऐसे तीन छेद पाए जाते हैं, जनरली सभी मल्टीमीटर के अंदर ऐसे तीन छेद पाए जाते हैं। जो तीन छेद होते हैं, ये तीनों छेद में से सबसे पहला जो छेद होता है, एक में मान लिया लिखा होता है कॉम, कॉम का पूरा नाम होता है कॉमन। क्या नाम होता है दोस्तों? कॉमन। कॉम का पूरा नाम क्या होता है? कॉमन। ये वाली जो पिन होती है ये तुम्हारी माइनस पिन होती है। उसके बाद मल्टीमीटर के अंदर दूसरा जो पिन होता है उसमें से लिखा होता है वी ओम, तो ये तुम्हारी जो पिन होती है ये तुम्हारी प्लस की पिन होती है दोस्तों। मल्टीमीटर के अंदर तीसरा जो पॉइंट होता है यहां पर लिखा होता है ए, ए का मतलब होता है एम्पियर। ए का मतलब क्या होता है? एम्पियर। तो एक तुम्हारा पिन क्या होता है? कॉमन यानी माइनस होता है। दूसरा तुम्हारा वी ओम यानी प्लस होता है। उसके बाद मल्टीमीटर में ए लिखा होता है, ए का मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। तो दोस्तों हमारे मल्टीमीटर के अंदर तीन पॉइंट्स बने होते हैं, तीन पॉइंट्स में से एक कॉमन होता है माइनस होता है, वी यानी ओम यानी पॉजिटिव होता है, एक में ए लिखा होता है, एम्पियर लिखा होता है वो हमारा एम्पियर का होता है। तो मल्टीमीटर के अंदर तीन पॉइंट्स होते हैं, तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगर मैं आपकी यूज करने की बात करता हूं तो मैं आपको दिखाता भी हूं, यूज करते करते भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मल्टीमीटर के अंदर आप देखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें से दो तार हमारा दिया हुआ है रेड ब्लैक। इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो रेड वाला है वो हमारा वी यानी डायोड का जहां पर निशान बना हुआ है अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? रेड वाली पिन को लगाएंगे, कॉमन वाले पॉइंट को लगाएंगे। उसके बाद जहां पर हमारा कॉम लिखा है, कॉमन यानी माइनस पिन होता है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ब्लैक को लगाएंगे। उसके बाद जहां पर ए लिखा हुआ है तो ए का मतलब होता रहा एम्पियर का पॉइंट है। किसका पॉइंट है? एम्पियर का पॉइंट है। अब हमारा मल्टीमीटर सेट हो गया, अब हमको बार बार नहीं चेंजेस करना होता और हम इसी आधार पर मोबाइल फोन को पूरा चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं चेक कैसे करते हैं, चेक करने का तरीका क्या होता है, चेक करने का सिस्टम क्या होता है, कैसे चेक कर पाएंगे आप, इन सब चीजों के ऊपर मैं आपको बात करता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप इस तरीके से क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में से मल्टीमीटर के माध्यम से ही टेस्टिंग करी जाती है। कैसे करी जाती है? देखिए सबसे पहली बात, मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज कैसा निशान बना होता है, वोल्टेज में इस तरीके से बना होता है, ये तुम्हारा एसी चेक करने के लिए होता है। एसी का मतलब होता है जो लाइट का वोल्टेज आता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज आते हैं, उस इलेक्ट्रिक वोल्टेज को चेक करने के लिए यहां पर किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 200 दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है,
तो 200 का मतलब होता है 0 से लेकर के 200 तक वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। 750 का मतलब होता है 0 से लेकर के हम लोग 750 तक वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन में हम लोग चेकिंग के तौर पर, उस मोबाइल फोन में से रिपेयरिंग के तौर पर देखा जाए तो हमारा 0 से लेकर के 200 तक वोल्टेज चेक करते हैं और 0 से लेकर के 750 तक वोल्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जनरल सी बात आती है तो हम लोग यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एसी वोल्टेज। एसी का मतलब होता है जो लाइट का वोल्टेज होता है, उस लाइट का वोल्टेज को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट होता है वोल्टेज के आगे इस तरीके से निशान बना होता है, तो ये हमारा डीसी चेक करने के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? डीसी चेक करने के लिए। डीसी का मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी का करंट होता है, उस बैटरी के करंट को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा निशान जो होता है वो डीसी को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? डीसी को। अब चाहे मल्टीमीटर, भैया तुम चाहे यूनिटी का ले लो, चाहे नॉर्मल ले लो, चाहे मैकेनिक का ले लो, सनशाइन का ले लो, कोई भी ले लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो पॉइंट्स दिए होते हैं वो पॉइंट्स सबके कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। अगर ऐसा निशान अगर मैकेनिक एसी को डिनोट कर रहा है तो भैया यूनिटी भी उसको एसी को ही डिनोट करेगा। अगर तुम्हारा दूसरा पॉइंट्स अगर वो इसको डीसी को डिनोट कर रहा है तो दूसरा जो मल्टीमीटर है वो ऐसे पॉइंट्स को डीसी से ही डिनोट करेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो आप चीज को समझिए। तो ऐसा जो वोल्टेज के आगे ऐसा निशान बना होता है, ये काय के लिए होता है? दो, एसी के लिए होता है। वोल्टेज के आगे ऐसा निशान बना होता है तो वो डीसी के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पर सारे मल्टीमीटर के अंदर रेंजेस आ जाते हैं। क्या रेंजेस आते हैं? जैसे 200, 750। तो 200 का मतलब होता है 0 से लेकर 200 तक चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी मेरा 20 वोल्ट और तुम्हारा आ जाता है 120 वोल्ट या 1000 वोल्ट। इस तरीके से ऐसे ऐसे डिफरेंट वोल्टेज आ जाता है। उस डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज को हम कैसे भी सेट कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात मायने नहीं रखती। तो यहाँ पर हमारा एसी चेक होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है? डीसी चेक होता है। आपने एसी चेक कर लिया, डीसी चेक कर लिया, उसके बाद मल्टीमीटर के अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके का ऐसा निशान बना होता है। तो ये मल्टीमीटर में बजर का निशान होता है। बजर का अगर बोला जाए तो बी पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी पॉइंट बी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूटी पॉइंट बी बोलते हैं। यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो बीप आती है, पी इस तरीके से बीप साउंड आती है। अच्छा, बीप साउंड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी दो पॉइंट्स होते हैं, जब दो पॉइंट्स को जब आपस में आप चेक करेंगे तो चेक करने पर बीप देता है, तो इसका मतलब पॉइंट्स कनेक्ट है। अगर बीप नहीं दे रहा तो इसका मतलब पॉइंट्स कनेक्ट नहीं है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा, आप इसको भी समझते रहिए। तो इस तरीके से जो पॉइंट होता है वो बजर का पॉइंट होता है। उसके बाद जो तुम्हारा फोर्थ पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट होता है, वो चौथा पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ऐसा डायोड का निशान बना होता है। तो जो डायोड का निशान बना होता है तो इसको हम लोग डायोड रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोड रेंज बोलते हैं। ये जो तुम्हारी डायोड रेंज होती है, यहाँ पर हमारा चेक करने पर वैल्यू आती है। यहाँ पर हमारा मोबाइल फोन के अंदर जीआर वैल्यू जो चेक करने वाला काम होता है वो सब यहाँ पर चेक किया जाता है। जीआर का मतलब होता है ग्राउंड रेंज। तो ऐसा जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायोड रेंज बोलते हैं। तो हमारा ये एसी चेक करने के लिए होता है, या डीसी चेक करने के लिए होता है, या बजट चेक करने के लिए होता है, या डायोड रेंज चेक करने के लिए होता है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि मल्टीमीटर के अंदर इस तरीके का निशान बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओम पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम पॉइंट बोलते हैं। तो जितने भी मोबाइल फोन होते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर दोस्त ऐसा जो पॉइंट बना होता है इसको हम लोग ओम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ओम चेक करते हैं। तो ये तुम्हारा एसी चेक करने के लिए होता है, डीसी चेक करने के लिए होता है, बजर रेंज चेक करने के लिए होता है, डायोड रेंज चेक करने के लिए होता है, ओम पॉइंट चेक करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? ओम पॉइंट। ओम पॉइंट का मतलब होता है मल्टीमीटर के अंदर जो ओम्स का ऑप्शन आता है उस ओम्स का ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? चेक करते हैं। ये ओम पॉइंट चेक करने के लिए होता है। उसके बाद मल्टीमीटर एक ऑप्शन बनता है। ए का मतलब होता है एम्पियर। ए का मतलब क्या होता है? एम्पियर। यहां पर हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल फोन में से एम्पियर को चेक करते हैं, मतलब करंट का जो फ्लो होता है उस फ्लो को चेक करते हैं। करंट में फ्लो कितना है उस चीज को हम लोग चेक करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे मल्टीमीटर के अंदर ऐसे हमारे रेंज दी होती है। इस रेंज के अंदर हम लोग जितने भी सारे जो पार्ट्स आते हैं, जो मोबाइल फोन के अंदर छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। अब बात करते हैं इसे कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर के अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात है, मैं आपको पास में आकर के समझाता हूं अच्छे से। देखिए,
दिखाई दे रहा है ना सभी को, मल्टीमीटर के अंदर देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके का निशान बना हुआ है, ये तुम्हारा क्या का निशान है, डीसी का। किसका निशान है? डीसी का। देखो वोल्टेज के आगे ऐसा निशान बना हुआ है, ये डीसी का निशान है। डीसी का मतलब होता है जो मोबाइल फोन के अंदर की जो बैटरी होती है उसको चेक करेंगे। मल्टीमीटर में मोबाइल फोन की बैटरी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर चेक करना होता है, 20 वोल्ट पर सेट करना होता है। 20 वोल्ट पर सेट करने के बाद दोनों तार को प्लस माइनस को लगाना होता है, तब हमारा वोल्टेज बताएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका इस तरीके का जो निशान बना होता है ये तुम्हारा एसी को डिनोट करता है। देखिए वोल्टेज के आगे ऐसा निशान बना हुआ है कि एसी को डिनोट करता है, मैं अभी बोर्ड में भी आपको दिखा दूंगा, ये एसी के लिए होता है। उसके बाद मल्टीमीटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एम्पियर दिया हुआ है। मल्टीमीटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट्स दिया हुआ है, ये डायोड को पॉइंट दिया हुआ है, ये तुम्हारा बजर पॉइंट दिया हुआ है। बजर पॉइंट के लिए आपको यहाँ पर डायोड रेंज, बजर रेंज, ऐसा हमारे में अलग अलग सेट करने का ऑप्शन दिया है। अगर हम दोनों पॉइंट को यहाँ पर जब आपस में शॉर्ट करते हैं तो आपस में शॉर्ट करने पर देखिए बीप साउंड आ रही होगी, ऐसा बीप साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आप बीप साउंड चेक करते हैं। उसके बाद ये जो कंपोनेंट्स चेक करने के लिए होता है ओम पॉइंट्स दिया होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डीसी चेक करते हैं, यहाँ पर हम लोग एसी चेक करते हैं, ये हमारा बजर रेंज होता है। तो ये मल्टीमीटर जितने भी सारे मल्टीमीटर आते हैं, सारे मल्टीमीटर के अंदर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यूज करने के बाद मल्टीमीटर के माध्यम से मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स को हम चेक करना सीखते हैं कि कैसे मल्टीमीटर के माध्यम से मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट को हम कैसे चेक कर पाएंगे। और ये तरीका मैंने दोस्तों आपको बताया हुआ है। और इतने ही पॉइंट्स ज्यादातर सारे मल्टीमीटर के अंदर मेजर पॉइंट्स दिए होते हैं। अब मैं तुमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कई सारे मल्टीमीटर आपको डिस्प्ले में वॉच कराता हूं और उन मल्टीमीटर के माध्यम से आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी ताकि आप और भी अच्छा हेल्पफुल हो सके और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए अब हम बात करेंगे कि इसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन को चेक कैसे करेंगे। इसके माध्यम से कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन को कैसे टेस्टिंग करेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मल्टीमीटर होते हैं उस मल्टीमीटर को देखते हैं, मल्टीमीटर को वॉच करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहां पर हम लोगों ने सर्च किया मल्टीमीटर। देखिए ये आपका मैस्टेक का मल्टीमीटर आता है, थर्मिस्टो का मल्टीमीटर आता है, ये यूनिटी का मल्टीमीटर है जो मेरे पास है, जो मैं ये यूज करता हूँ। एक ये फ्लूक का मल्टीमीटर आता है, ये फ्लूक का एक और महंगा मल्टीमीटर आता है, जोटेक का मल्टीमीटर आता है, ये इस तरीके से बहुत सारे मल्टीमीटर आता है। अगर आप आज जनरली यूज के तौर पर देखा जाए, अगर बेस्ट की बात करी जाए, अच्छा कौन है, तो आप कोई भी अच्छा ले सकते हैं। जनरल सी बात है, सभी मल्टीमीटर टेस्टिंग के पर्पज पे ही यूज होते हैं और मल्टीमीटर के माध्यम से मोबाइल फोन को चेकिंग करते हैं। ज्यादातर जनरल जो होते हैं, जितने जो नए लोग होते हैं, वो नए लोग सबसे पहली बात अपना यही जो बेसिक मल्टीमीटर आता है इस मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। और इस मल्टीमीटर के माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन की वो लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ताकि उनके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा वो इस मल्टीमीटर के माध्यम से मोबाइल फोन को चेक कर पाते हैं। आप देखिए इस मल्टीमीटर के अंदर देखिए जितनी सारी रेंज है वो सारी रेंज दी हुई है। ये कौन सी रेंज दी हुई है, ये वो रेंज दी हुई है जो हम लोग जनरली चेकिंग करते हैं। मैं एक बार इसमें भी आपको समझा देता हूँ, ग्राफ बना करके समझा देता हूँ, और अगर जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं उनको एक बार डिनोट भी कर देता हूँ, ये थोड़ा सा क्लियरिटी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने आपको जो चीज समझाई है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो पॉइंट्स आपका दिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टर। मल्टीमीटर में ये जो आपका पॉइंट्स होता है यहाँ पर, इसको हम लोग डिस्प्ले बोलते हैं। यहाँ पर हमारी जो भी आती है वैल्यू सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ये मल्टीमीटर तुम्हारा ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एसी चेक करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे निशान, तो यहाँ पर हम लोग डीसी चेक करते हैं, मोबाइल फोन की बैटरी को चेक करते हैं। उसके बाद ये आप निशान देखेंगे तो ये आपका ओम पॉइंट चेक करने के लिए दिया हुआ है। और अगर आप इसमें से ये देखेंगे तो ये आपका जो निशान दिया हुआ है ये तुम्हारा डायोड चेक करने के लिए निशान दिया हुआ है। लेकिन इस मल्टीमीटर के अंदर देखेंगे बी पॉइंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वरना बी पॉइंट का ऑप्शन यहीं पर इसी तरीके से आता है। मैं दूसरा कोई फोटो में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये तुम्हारा एम्पियर चेक करने के लिए होता है। इसमें से यहीं पर डायोड चेक करते हैं और यहीं पर बीप चेक करते हैं, तो जहां पर आपको लगाना होता है वहीं पर आप लगा देते हैं। मल्टीमीटर में ये तुम्हारा कॉमन दिया हुआ है, यहाँ पर हमेशा माइनस वाला तार लगता है, और ये हमेशा वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पर हमेशा प्लस वाला तार लगता है, और यहाँ पर प्लस वाले तार को ही लगाया जाता है एम्पियर चेक करने के लिए। इसको निकाल करके यहाँ पर लगा देते हैं।
तो ऐसे हम लोग मल्टीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं। जितने भी मोबाइल फोन होंगे सभी मोबाइल फोनों से मल्टीमीटर टेस्टिंग के तौर पर काम आता है। अब देखिए मैं कोई दूसरा फोटो मैं आपको ओपन करता हूँ, दूसरा फोटो में से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, मान लिया मैंने फ्लूक का मल्टीमीटर ले लिया, ये देखिए ये जो फ्लूक का मल्टीमीटर है, अगर आप इसमें से देखेंगे, मैं आपको इसमें से भी आपको समझाता हूं, बड़ा कर दिया ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर तुम्हारा ये डिस्प्ले है और ये तुम्हारा सिलेक्टर है, टक 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 जहां लगाओगे वहीं लग जाएगा। यहाँ पर जो तुम्हारा प्लस का पॉइंट है, ये तुम्हारा कॉमन का पॉइंट है, ये तुम्हारे दोनों पॉइंट्स तुम्हारे एम्पियर के हैं। तो यहाँ पर माइनस लगता है, यहाँ पर प्लस लगता है। मल्टीमीटर के अंदर ये जो अगर आप निशान बनाएंगे तो ये देखेंगे तो ये तुम्हारा एसी चेक करने के लिए है, ये निशान तुम्हारा जो बना हुआ है ये तुम्हारा डीसी चेक करने के लिए है, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पर बी पॉइंट डायोड और ओम तीनों पॉइंट एक ही जगह चेक करने का दिया हुआ है। ये बहुत अहम पॉइंट है और तीनों एक ही जगह दे रखा है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब जब आप इसको लगाएंगे तो इसके माध्यम से रेंज को सिलेक्ट करेंगे, आप रेंज ये लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं कि ये लगाना चाहते हैं, जो आप लगाना चाहते हैं आप इसके माध्यम से, आप रेंज के माध्यम से कट 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 करके यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ पर डायोड ओम बीप ऐसा निशान बन करके आएगा जिससे आप समझ जाएंगे कौन से पॉइंट में लगा हुआ है। उसके बाद ये तुम्हारा इसके अंदर कैपेसिटर चेक करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और ये वाला जो होता है ये तुम्हारे एम्पियर चेक करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी एम्पियर चेक करने के लिए, मिली एम्पियर होता है उसको चेक करने के लिए ऑप्शन आता है। तो ये फ्लूक का मल्टीमीटर है, ये होल्ड करने के लिए होता है।
ये दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी चीजों के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो हमारे ऐसे स्टूडेंट जो बाहर से ट्रेनिंग लेने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में पड़ता है, कानपुर सागर मार्केट, जहाँ ये कानपुर रेलवे स्टेशन है, कानपुर रेलवे स्टेशन के पास में ही सागर मार्केट पड़ती है। और यहाँ पर दुनिया जान के बहुत सारे मोबाइल फोन रिपेयर करने के लिए, रिपेयर कराने के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ पर बच्चे लोगों को सीखने में बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत अच्छी तरीके से उनको प्रैक्टिकली ज्ञान मिलता है, प्रैक्टिकल तरीके से सीखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।